Hi guys, welcome back to my channel. My name is Riya and today I'm gonna sharing my hair care routine. Basically, मैं अपने बालों को किस तरह से manage करती हूँ वो मैं आज आपके साथ share करूँगी इस video में. तो बहुत लोगों की problem थी कि उन्हें उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, hair fall की problem आ रही है, dandruff हो रहे हैं and बहुत ज़्यादा oily उनके scalp हैं. So उसी पे आज मैं video लेकर आई हूँ. I hope आपको ये video अच्छा लगेगा and अगर अच्छा लगे तो please मेरे channel को subscribe कर दे and इस video को like कर दे. So yeah, let's get start. So let's talk about my hair first. मेरे hair की जो length है वो nearby मेरे shoulder से नीचे है, इधर तक है. मैंने 2018 में अपने बालों में रिबॉन्डिंग कराया था एंड 2019 में मैंने अपने बालों में कलर कराया एंड 2020 में सारे बालों को कटवा दिया. सो अभी मेरे बाल इतने हैं. हेयर रिबॉन्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आपके बालों को केमिकली ट्रीट किया जाता है जिससे आपके बाल डैमेज भी हो जाते हैं एंड बहुत से प्रोडक्ट लगाने को भी मना कर दिया जाता है. तो मैंने जब रिबॉन्डिंग कराया तो मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही थी. बट मैं कुछ घर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैंने अपने बालों को थोड़ा सा कंट्रोल किया हेयर फॉल से. सो हेयर केयर में सबसे पहली बात आती है कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, आप कौन सा कंडीशनर यूज़ करते हो एंड सीरम कौन सा यूज़ करते हो, आप यूज़ करते भी हो या नहीं करते हो. तो मैं शैम्पू जो यूज़ करती हूँ वो स्कोर्सकॉफ का रिपेयर रेस्क्यू यूज़ करती हूँ. कंडीशनर के लिए मैं यहाँ पर पैंटीन का प्रो वी ऑयल रिप्लेसमेंट यूज़ करती हूँ. दिस वन, ये काफ़ी अच्छा कंडीशनर का वर्क करता है. ये आपके हीट प्रोटेक्टेंट का भी काम करता है. आप किसी भी तरह के हेयर स्टाइलिंग करते हो तो इसे आप पहले यूज़ कर लो, लगा लो बालों में, देन आप स्टाइलिंग करो तो आपके हेयर को डैमेज होने से ये बचाता है. काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं. एंड हेयर सीरम के लिए मैं यहाँ लॉरियल का स्मूथ इंस्टेंट स्मूदनिंग सीरम यूज़ करती हूँ. ये काफ़ी अच्छा सीरम है. मैं पहले स्कोर्सकॉफ का यूज़ करती थी बट वो मुझे इतना पर्सनली पसंद भी नहीं है और वो अफोर्डेबल भी नहीं था. ये काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी सही भी है तो आप इसे ले सकते हो. बट आप पे आपके हेयर पे डिपेंड करता है कि आपका हेयर किस टाइप का है. मेरे जो हेयर हैं वो नॉर्मल हैं, मतलब कॉम्बिनेशन हैं, ना ज़्यादा ड्राई हैं ना ज़्यादा ऑयली हैं, इसलिए मेरे हेयर ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते और ना ज़्यादा ड्राई हैं, नॉर्मल है. मैं मास्क के लिए यहाँ पे स्कोर्सकॉफ का स्पा एसेंस यूज़ करती हूँ. ये काफ़ी अच्छा मास्क है. मैं इसे मंथ में एक से दो बार ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ. इससे आपके हेयर काफ़ी स्मूद हो जाते हैं, बहुत स्मूद हो जाते हैं. आप इसके जगह पे हेयर एक लॉरियल का एक टब आता है ग्रीन कलर का, आप उसे भी ले सकते हो. वो भी काफ़ी अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है. बट आप अगर लो तो उसे किसी अच्छे जगह से परचेस करो, नहीं तो उसके सारे डुप्लीकेट्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल. तो आप अच्छे से सेफ्टी के साथ परचेस करो. अगर आप डुप्लीकेट लगाओगे अपने बालों में तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, इसीलिए बी सेफ. सो जो मेरी हेयर की टेक्सचर है वो काफ़ी थिन है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ. ये देखो आप, अगर आपको भी अपने हेयर की टेक्सचर पता करनी है तो नॉर्मली आपको एक स्ट्रैंड लेना है बालों का ऐसे, और आपको तीन से चार बार ऐसे ये ऐसे ऐसे प्रोसेस करना है. अगर आपके तीन से चार बार में अगर ये टूट जाते हैं तो आपके हेयर काफ़ी थिन है. दस जैसे मेरे टूट गए, मेरे हेयर के टेक्सचर काफ़ी थिन है. अगर आपके नहीं टूटते हैं तीन से चार बार में तो आपके हेयर के टेक्सचर जो है वो काफ़ी थिक है और अच्छे हैं. तब आपके जो हेयर में वो वॉल्यूम काफ़ी होगी. मेरे भी हेयर में काफ़ी वॉल्यूम थे मेरे जब मैंने रिबॉन्डिंग कराया था उससे पहले. बट जब मैंने रिबॉन्डिंग करा लिया उसके बाद जो मेरे हेयर हैं उसमें से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई, वॉल्यूम बची ही नहीं, काफ़ी स्ट्रेट से फ्लैट से हेयर हो गए मेरे. आपको टिप्स देना चाहती हूँ बालों पर जिससे आपके हेयर जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, स्मूथ रहेंगे. सबसे पहले आपको वीकली आपको वीक में दो बार आपको हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी है. ज़रूर करें अपने बालों में हेयर ऑयलिंग ताकि आपके बाल काफ़ी स्मूथ रहें, सही रहें. नेक्स्ट जो है, आपको अपने बालों को फ्रिक्वेंटली नहीं धोना है. फ्रिक्वेंटली आप अपने बालों को वॉश नहीं करें क्योंकि हमारे बालों में एक नेचुरल ऑयल होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे आपके बालों को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्प करता है एंड जो आपके जो ग्रोथ होते हैं बालों को उसमें काफ़ी हेल्प करता है. लेकिन आप उसे फ्रिक्वेंटली वॉश करोगे अपने हेयर को तो वो जो नेचुरल ऑयल है वो आपके वॉश करने से निकल जाएंगे तो आपके बाल ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है. मेरी भी थी पहले स्प्लिट एंड्स की, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप बाल ट्रिम करा लो, आप ये करा लो तो वो सही हो जाएंगे. अरे भैया, ट्रिम से क्या होते हैं आप बताओ, बाल यहाँ से बढ़ते हैं या यहाँ से बढ़ते हैं, कुछ भी. तो आपको अपने बालों को
आपकी स्कैल्प को सही रखना है, यहाँ से ट्रिम कराने से कुछ नहीं होता, आपको आपके अपने बाल के स्कैल्प को सही रखना है। स्कैल्प आपके नॉर्मल रहेंगे तो आपके बाल के जो लेंथ है वो भी सही रहेंगी एंड जो स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाए। आपको अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, आप हेल्दी फूड खाओगे आपके बाल हेल्दी रहेंगे, आप अनहेल्दी फूड खाओगे आपके बाल अनहेल्दी रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने बालों को जब आप वॉश करते हो और वो गीले होते हैं उस टाइम अपने अपने बालों में कॉम्ब नहीं करना है। उस टाइम आप कॉम्ब करोगे अपने बालों में तो वो ज़्यादा हेयर फॉल होंगे आपके बालों में, ज़्यादा टूटेंगे, ज़्यादा वीक होंगे, इसलिए नहीं करना है उस टाइम। आपके बाल जब सूख जाएं, जब अच्छे से ड्राई हो जाएं, ड्रायर भी बिल्कुल ना यूज़ करें और स्टाइलिंग भी बिल्कुल ना यूज़ करें। आप चाहते हो कि मैं डूज एंड डोंट्स पे वीडियो बनाओ हेयर के डूज एंड डोंट्स, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आपको अपने बालों में ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट नहीं कराने हैं, आप चाहो तो करा सकते हो बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उससे बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। सो ये कुछ टिप्स थे आपके बालों के लिए। अब मैं बताऊँगी कि मैं अपने बालों को मैनेज कैसे करती हूँ, मैं क्या अपने बालों में लगाती हूँ एंड कैसे मसाज देती हूँ अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। सो यार लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, नेक्स्ट मैं सूखे बालों में ही मसाज दूँगी अपने बालों को हल्के हल्के हाथों से, पूरे बालों में सर्कुलर मोशन में मसाज दूंगी। इससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है और आपको ये हमेशा करना चाहिए। आपको अपने बालों को हमेशा मसाज देना चाहिए, अपने स्कैल्प में मसाज करना चाहिए। नेक्स्ट मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी ऑयलिंग करने से पहले। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ, मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हो, आप कोकोनट भी ले सकते हो बट मैं मस्टर्ड ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसे हीट करूँगी और आपको ध्यान रखो आप कि आप डायरेक्ट हीट मत दो अपने ऑयल को। आप एक बर्तन में लेकर पानी लेकर उसमें देन आप उसमें ऑयल गर्म करो अपनी, डायरेक्ट हीट मत देना। एंड अगर आपके बाल में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप उसमें हल्का सा नींबू डाल दो, मुझे है थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए मैं नींबू ले रही हूँ, उसे अच्छे से मिक्स कर दो अब। देन अपने बालों को अच्छे से खोलो और पहले ऑयलिंग से पहले मसाज दो अपने बालों को, अच्छे से सुलझा लो बालों को ताकि टूटे ना आपके बाल। अच्छे से मसाज दे रही हूँ अपने बालों को मैं। नेक्स्ट मैं अपने बालों को पार्टीशन करूँगी और एक कॉटन बॉल और कॉटन बॉल की हेल्प से अपने बालों में ऑयल लगाऊँगी मैं, अपने स्कैल्प में लगाऊंगी। बस आपको ध्यान रखो आप कि बस स्कैल्प में ही लगाओ, पूरे बालों में लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप बस स्कैल्प में लगाओ एंड आपके बालों में काफ़ी अच्छा असर होगा उसका। अच्छे अच्छे पार्टीशन, पूरे बालों की पार्टीशन करके आप लगाओ ऑयल। मैं पूरे बालों में पार्टीशन करके ही ऑयल लगाती हूँ कॉटन बॉल की हेल्प से, आप फिंगर से भी लगा सकते हो बट मैं ज़्यादा कॉटन बॉल से ही लगाती हूँ। और नेक्स्ट मैं यहाँ अपने लेंथ में लगा रही हूँ बस, क्योंकि आपकी लेंथ जल्दी रफ़ हो जाती है तो आप ऑयलिंग करोगे तो वो रफ़ नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी। नेक्स्ट मैं ऑयलिंग के बाद मसाज दूंगी। ध्यान रखें आप जब भी ऑयलिंग करें मसाज ज़रूर दें अपने बालों में, कि उससे आपके ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मैं यहाँ पर अपने बालों को अच्छे से बन बना लूँगी और एक घंटे के लिए अपने बालों को छोड़ दूँगी इसी तरह से। नेक्स्ट मैं अपने बालों को वॉश कर ले रही हूँ और डैप डैप करके पूरे बालों की जो पानी है उसे एब्जॉर्ब कर लूँगी टॉवेल में और अपने बालों में टॉवेल लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं हल्के से बाल मेरे सूख गए हैं, अब मैं यहाँ पर सीरम लगाऊँगी। सीरम लगाने से आपके बालों में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपके बाल जल्दी ड्राई नहीं होते और बहुत स्मूथ रहते हैं आपके बाल, इसलिए आपके बालों में जो भी सीरम सूट करे, अलग अलग तरह के सीरम आते हैं मार्केट में, आपके बालों में जो भी सूट करे उसके अकॉर्डिंग आप ले लो। यहाँ मेरे बाल सूख गए हैं अच्छी तरीके से एंड आप देख सकते हो काफ़ी शाइन आ जाती है बालों में, अच्छे से सूख गए हैं बाल मेरे।